हमारे देश में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि कपड़ा बहुत ही ज़्यादा बिकता है। कारण आदमी के जीवन में तीन नेसेसिटी होती है, रोटी, कपड़ा एंड मकान। तो कपड़े का बिजनेस करना हमेशा से ही फायदेमंद रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट क्लोथिंग फ्रेंचाइजी जिनको आप अपने गांव, शहर कहीं भी कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, किसी भी टाइप का सजेशन होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। लेवाइज का फ्रेंचाइजी हम कैसे लें? तो लेवाइज का फ्रेंचाइजी लेना बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा है हमारे देश में, क्योंकि लेवाइज का जो जींस है, लेवाइज के जो कपड़े हैं, वो काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि इनके जो डिजाइन है, जो इनके क्वालिटी है, वो अपने आप में हाई क्वालिटी के होते हैं। इस कंपनी का पूरा नाम है लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी। बहुत टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे जींस हो गया, कैजुअल वियर हो गया, जैसे उसमें ड्रेस पैंट हो गया, टॉप हो गया, शॉर्ट्स हो गया, स्कर्ट, जैकेट, फुटवेयर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये बहुत टाइप की ऐसी चीजें हैं जो आपको दिख जाएंगी लेवाइज लेविस का। लेवाइस शोरूम ओपन करने के लिए आपको कितना एरिया का रिक्वायरमेंट होगा? बड़ा ही जबरदस्त मुझे लगा कि लेवाइस का शोरूम ओपन करने के लिए बहुत ही कम स्पेस में भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। 200 स्क्वायर फीट से लेके 300 स्क्वायर फीट तक का आप एरिया इनफ इसमें है। अगर आपके पास इतना एरिया भी ना है, थोड़ा कम है, तब भी आप अप्रोच कर सकते हैं, कंपनी उसमें दे ही देती है। जनरली मैंने देखे छोटे लेवल पे भी लेवाइस लोगों ने शोरूम ओपन किए हुए हैं। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। तो सबसे पहले इसमें जो इन्वेस्टमेंट आता है वो है इसमें सिक्योरिटी फी लगभग 5 लाख से 10 लाख रुपया। नेक्स्ट इसमें आता है जो भी आप गोडाउन का कॉस्ट आप लगेगा, तो उसका लगभग 10 से 15 लाख के आसपास में कॉस्टिंग जाएगा। अदर मिसलेनियस चार्जेस 2 से 3 लाख हम मान लें, तो ओवरऑल जो इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा वो लगभग 35 लाख से लेकर 40 लाख रुपए के बीच में आएगा। रैंगलर एक ऐसा ब्रांड है जो छोटे शहरों में भी दिखता है एंड बड़े शहरों में भी दिखता है। इसके फ्रेंचाइजी अभी के डेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको दिख जाएंगे। एक खास बात मैं आपको बता दूं, रैंगलर बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी है। रैंगलर बेसिकली मेंस वेयर कलेक्शन पर ज्यादा फोकस करता है। इसके जितने भी कपड़े हैं वो कैजुअल ज्यादा मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि आप भी रैंगलर का फ्रेंचाइजी लेके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट होता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए। लोकेशन की अगर बात की जाए तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे फेवरेट जो मेरा लोकेशन होगा वो होगा मॉल। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि इसमें एरिया कितना चाहिए, तो एरिया लगभग आपको 500 से 1000 स्क्वायर फीट तक लेना होगा। नेक्स्ट इसमें बात आता है इन्वेस्टमेंट का। 500 स्क्वायर फीट के 1000 स्क्वायर फीट के बीच का अगर आप ओपन करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा 20 लाख रुपए से लेके 40 लाख रुपए तक का। फिलहाल अगर बात की जाए कि इस बिजनेस को करने के बाद आपको कितना कमीशन मिलेगा, तो लगभग आपका 80% का कमीशन इसमें मिलेगा। रेवेन्यू शेयरिंग के बेसिस पर ये काम करता है। ROI का जो टाइम फ्रेम है वो बेसिकली 1 साल से लेके 1.5 साल के बीच का है। वैन हुसैन, बेसिकली आप में से काफी सारे लोगों ने सुना होगा वैन हुसैन, ये हुसैन नहीं है, वैन हुसैन है। इस कंपनी की शुरुआत 1880 में अमेरिका में हुई थी। इसके जो फाउंडर थे मोजे फिलिप्स एंड जॉन वैन हुसैन। ये कंपनी अभी तक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इस कंपनी के मोर देन 300 प्लस फ्रेंचाइजी हैं। सो अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस फ्रेंचाइजी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके का जगह आपको लेना पड़ेगा। देखिए वैन हुसैन एक प्रीमियम ब्रांड है। प्रीमियम का मतलब होता है कि थोड़ा महंगा और थोड़े हाई क्लास के लोगों के लिए। तो इसके लिए आपको वैसे ही जगह को चुनना होगा। कौन सा जगह बेहतर हो सकता है? तो सबसे पहला नंबर जो जगह अच्छा होगा वो है मॉल। मॉल से बेहतर कोई जगह नहीं। अगर आप इस आउटलेट को ओपन करना चाहते हैं तो लगभग आपको 1200 स्क्वायर फीट तक का आपको एरिया चाहिए। लेकिन अगर आपको ज्यादा एरिया है तो वो और भी बेहतर है। लेकिन 1200 तो मिनिमम इन लोगों का डिमांड होता है, क्योंकि इसमें ट्रायल रूम भी होता है और चूंकि दोनों सेगमेंट में ये है, मेन एंड वीमेन दोनों ही सेगमेंट में, तो उस रेंज के इनका कपड़ा है। स्टोर के अंदर में ही कई बार ऑल्टरेशन का भी काम इसके थ्रू होता है। जैसे सूट किसी ने लिया, उसको चेंजेस करवाने हैं, तो वहां पे वो ये अपने एक टेलर को रखकर ये सारा काम भी करवा देते हैं कई बार। तो इसीलिए इस तरीके का स्पेस आपको चाहिए होगा। बात की जाए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, तो आपको स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट, अब ये 30 लाख से 50 लाख के बीच का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या रहेगा, तो इनका जो बेसिकली बिजनेस का मॉडल है वो है इसमें शेयरिंग बेसिस। रेवेन्यू शेयरिंग इस तरीके से होता है कि जैसे जो भी कमीशन बनता है 85% कमीशन फ्रेंचाइजी को जाता है एंड रेस्ट ऑफ द जो भी कमीशन बनता है वो कंपनी को जाता है। मान्यवर एक ब्रांड आया जिन्होंने मेंस एथनिक वेयर में पूरे ऑल ओवर इंडिया को लीड किया और अभी के डेट में मान्यवर एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है मेंस एथनिक वेयर में। बात चाहे शादी की हो या सेलिब्रेशन की, मान्यवर में आपको हर टाइप के कपड़ों की रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। मान्यवर की शुरुआत की गई थी 1999 में, लेकिन पहला फ्रेंचाइजी आउटलेट उन्होंने ओपन किया था 2008 में मुंबई में, और तब से लेके आज तक मोर देन 400 प्लस फ्रेंचाइजी आउटलेट्स इनके हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में।
इतना ही नहीं, मान्यवर अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी एक्सपेंड करने जा रही है, चूंकि भारतीय पॉपुलेशन दूसरे देशों में भी रहते हैं, खास करके यूएसए, यूएई, कनाडा में ये स्टोर अपना ओपन कर रहे हैं। मान्यवर के साथ जुड़ के काम करने का बेहतरीन मौका कंपनी दे रही है, चूंकि कंपनी फ्रेंचाइजी लॉन्च की हुई है। अगर आप भी इसका फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले बात कर लें लोकेशन की। लोकेशन कंपनी की वेबसाइट पर ही लिखा हुआ कि लोकेशन चाहिए प्राइम लोकेशन पर और विजिबिलिटी अच्छी हो। मान्यवर का जो भी प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि सीजनल माने जा सकते हैं। जैसे जब भी शादियों का सीजन शुरू होगा तो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। वहीं अगर सीजन कम हो गया, शादी का ना रहा, फेस्टिवल सीजन ना रहा, तो जाहिर सी बात है इसका डिमांड कम होगा। तो आप जब भी इसका फ्रेंचाइजी लेने के लिए जा रहे हैं तो कम से कम इस बात को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा कि इसका जो कारोबार है वो थोड़ा सा ही सही बट सीजनल जरूर है। हाँ, लेकिन एक चीज तो जरूर है कि जिस सीजन में ये इतना बिक जाता है कि 2-4 महीने अगर कम भी बिका तो ये आपके उस लॉस को मैनेज कर देता है। तो इस तरीके की चीजें इस फ्रेंचाइजी में हो सकती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस फ्रेंचाइजी को अप्लाई करने के लिए कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। इस फ्रेंचाइजी को अप्लाई करने के लिए मोर देन 40 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट आएगा। इंडियन टेरेन फ्रेंचाइजी। इंडियन टेरेन भारत की अग्रणी फैशन ब्रांडों में से एक है। अभी के डेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनके मोर देन 200 प्लस एक्सक्लूसिव आउटलेट्स एंड 1000 प्लस मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, लाइफस्टाइल शॉपर्स स्टॉप और सेंट्रल और प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे बड़े फॉर्मेट स्टोर्स के 400 प्लस वेबसाइट्स के थ्रू ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इंडियन टेरेन कंपनी की स्थापना वेंकी राजगोपाल ने भारत में मेल प्रीमियम स्मार्ट कैजुअल क्लोथ्स को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्होंने किया था। 4 से 16 वर्ष के एज के बच्चों के लिए इन्होंने स्मार्ट कैजुअल कपड़ों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कंपनी ने 2015 में इंडियन टेरेन बॉय ब्रांड पेश किया। हर टाइप के टी शर्ट, ट्राउजर, शॉर्ट्स, विंटर वेयर, डेनिम, हर टाइप के कपड़े यहाँ पर मिलते हैं। अभी के डेट में इंडियन टेरेन का जो नेटवर्थ है वो लगभग 250 करोड़ रुपए का नेटवर्थ है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। यानी कि आप इतनी बड़ी कंपनी में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सब बात कर लेते हैं कि फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन, इस काम को स्टार्ट करने के लिए आप लोकेशन शहर में भी देख सकते हैं या छोटे शहर में भी देख सकते हैं या बड़े शहर में भी देख सकते हैं, गाँव में भी आप देख सकते हैं, चूंकि इनके कपड़े बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। बट जो भी आप लोकेशन देखेंगे उसमें ध्यान दीजिएगा कि वो बाजार में आपका स्टोर होना चाहिए या मॉल में होना चाहिए। इधर उधर आप खोलेंगे तो ज्यादा चांस है कि आपका उस लेवल का सेल नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर बात की जाए एरिया कितना चाहिए, तो लगभग 600 स्क्वायर फीट से लेकर 900 स्क्वायर फीट तक का आपका एरिया चाहिए। आप बड़ा एरिया भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना बड़ा आप एरिया लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले इसमें आता है जमीन, जहां पर आपका शॉप होगा वो। अगर देखिए आपका खुद का है तब तो पैसे बच गए, अगर खुद का नहीं है तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए वहां पे खर्चा आ जाएगा। स्टाफ का सैलरी हो गया, फ्रेंचाइजी कॉस्ट इसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच का लगेगा। ये टोटल डिपेंड करेगा कितने एरिया में आप कर रहे हैं। जैसे छोटा एरिया रहेगा तो हो सकता है आपका कम लगे। अदर चार्जेज मिला के 2 से 3 लाख। तो अगर इस तरीके की हम बात कर ले तो ओवरऑल जो आपका चार्जेज आएगा इस फ्रेंचाइजी को लेने में वो लगभग 25 लाख रुपया आएगा।